कौन कहता है आसमानों में छेद नहीं हो सकता। जरा एक पत्थर को तो तबीयत से उछालो यार। जी हाँ, अगर इंसान दिल में कुछ कर गुजरने की ठान ले और जोश व जज्बे से मंजिल की ओर कदम बढ़ाए तो राह आसान लगने लगती है। पानीपत के गांव भैंसवाल की रहने वाली समाज सेवी महिला बेगमती ने इन पंक्तियों को गहरे से आत्मसात कर लिया है। ग्राम विकास के क्षेत्र में नई इबारत लिखने को प्रयासरत बीरमती ने पहले बन जाए इंसान फिर कुछ और। बीरमती की बात की जाए, वह गरीब है, बुजुर्ग है, अनपढ़ है, लेकिन इनसे जो प्रयास किए वह चौंकने और हैरान करने वाले हैं। बीरमती जिसे गांव वाले बीरी या बीरो नाम से बुलाते हैं, सड़क पर काम करने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए हैं। बीरी है मेरा नाम भी, मुँह तो बीरो बोल रहा गाँव में तो। फिर बाहर जितने भी सरकारी आदमी हैं, जो भी साल था 20 साल था, वही बीरी का नाम लिखा। बीरी क्या मैंने दस्तक करने सीखी, अनपढ़ औरत थी मैं था। फिर मैं शुरू से सिलाई का काम करूँगी। फिर मैंने सड़कों पर तो बच्चे ले आई, सारे बच्चे पढ़ाए या स्कूल खुलवाया। 40 ऑपरेशन मैंने करवाए खुद पति। फिर बेटे मैंने डाकखाने का भी खुलवाई 15-20 गाँव की जनानियों। फिर मैंने 4 ग्रुप बनाए। फिर मैंने गांव की जनानी सिखाई मशीन। फिर मैंने सारे स्कूलों के बच्चे ले आऊँ सड़कों पर था, झुग्गियों में था, वो स्कूल खोल लिया। काम तो मैंने इतने करे, हरियाणा में कोई जनानी कर देगी नहीं, अनपढ़ और तू मैं भाई, मैं मुँह नहीं दिखाऊंगी बिल्कुल भी। फिर ना तो राम ने सोची, ना सरकार ने सोची, और ना सोची गाँव ने। खुद मेरा एक बेटा और 2 घरों में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएगी। खुद मैंने करवाया नहीं भाई, 1800 है मरवाण का बच्चे का भैया। मेरा बहुत बड़ी टेंशन हुआ जो मैंने गलत सलत बात दी थी, जब मैंने जवानी कर बुढ़ापा काट दिया। कोर्ट में भी वीडियो ने भी एक यहाँ पर हमारे घर पर का थोड़ी सी घर का दिखाई थी, उसने भी ये समझा दिया था जी लिख कर दे दो अपना काम, मैं तेरे घर पर ही आ जाऊँ, यहाँ कोई आ जाएगा। वहाँ जाकर हूँ भाषण दे आई थी, वीडियो बदली करवा कर चलिया गया। अको वो कितनी समझदार वीर, और तो उड़ान का समझाया और पता ले लिया मैंने उसका। बच्चों को पढ़ाने का काम बीरी गांव की पढ़ी लिखी औरतों की सहायता से करती है। यही नहीं, इनमें बच्चों को पढ़ाने का इतना जुनून है जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर अपने बच्चों को पढ़ने से मना करते हैं, वह बच्चों को उनके माता पिता से लड़ाई करके उन्हें शिक्षा देते हैं। बच्चों का जुनून भी कुछ कम नहीं है। गांव में सरकारी स्कूल हैं, फिर भी इनके बच्चे उन्हीं के पास पढ़ना पसंद करते हैं। वजह सिर्फ यही कि बच्चे मस्ती मस्ती में सब कुछ सीख जाते हैं। यहाँ छोटे से छोटे बच्चे को क ख ग 1 2 3, 3 × 3, 3 × 6 से लेकर 10 × 20 तक सब याद है। बच्चे भगवान का गुणगान भी करते हैं। राधा किंग गोरी, मैं किंग काला। आज वह डॉक्टर सर बनना चाहते हैं, लेकिन भविष्य इन्हें लेकर कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बच्चों के माँ बाप घर जाने पर चरखा कटवाते हैं और कोई सहायता इनको नहीं मिलती। यही नहीं, बीरी चाहे अनपढ़ है लेकिन उसे जानकारी सब होती है। बीरी ने गांव की 40 औरतों की नसबंदी करवाई, उनकी देखभाल की और खर्चा भी खुद लगाया। गांव का डाकघर में बचत खाता खुलवाया, गांव की औरतों को भैंसों का लोन, सिलाई मशीन दिलवाई। बीरी को 27 साल हो गए हैं ये सब काम करते हुए, लेकिन इनका कहना है कि हरियाणा में किसी भी अनपढ़ औरत ने इतना काम नहीं किया है। बीवी अपने घर पर औरतों को सिलाई सिखाने का भी काम करती है, इसके लिए वह पैसे नहीं लेती। यहाँ दिन में गांव की काफ़ी औरतें सिलाई का भी काम करती हैं। इसके अलावा बीवी औरतों को कपड़ों पर कढ़ाई का भी काम करना सिखाती है। बीरमती ने गांव में आंगनबाड़ी खुलवाई और महिला की नियुक्ति करवाई। बीरमती का यह एक ज़बरदस्त प्रयास यह भी है कि अनपढ़ होते हुए भी वह पुत्र वधु की सहायता से गांव की औरतों को पढ़ाने का काम करती है।
गांव की औरतों का कहना है पढ़ने से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। करीब एक साल की पढ़ाई के उपरांत यह महिला अपना नाम लिख लेती है, बस और शहर का नाम पढ़ लेती है। यह सब इन्होंने रोज एक घंटा पढ़ाई को देकर सीखा है। मेरा नाम सुनीता, मैं अभी एक साल से पढ़ रही हूँ। मैं अपना नाम लिख लेती हूँ, जैसे बाहर जाती हूँ तो बसों का नंबर वगैरह गांव का नाम पढ़ लेती हूँ। पढ़ाई से जैसे बाहर जाती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। पढ़ने से फायदा ही है, पढ़ने का कोई नुकसान नहीं है। इतने प्रयास के बावजूद बीवी की बात की जाए तो इससे क्या मिला? घर के गुजारे के लिए बीरमती किराने की दुकान चलाती है। टूटा फूटा घर है, लोगों के ताने भय हैं, डर है, कर्जदार है, फिर भी खुशी खुशी लोगों की सेवा में ही लगी रहती है। कई बार अपना गुस्सा भगवान पर उतार लेती है, लेकिन जब अपनी पोती को नाचते हुए देखती है दोबारा नई शक्ति के साथ काम में जुट जाती है।